कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई के दो संदिग्ध लोग पाए गए हैं और जिसके बाद प्रशासन ने बताया कि ये आतंकी गतिविधि में शामिल होने की बात कर रहे थे और आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, और जिसके बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी बातों को रखा और कहा कि आरएसएस जैसी संगठन के तौर पे ये काम कर रही है, जैसे वो लोग शाखा लगाते हैं वैसे ही ये लोग भी शाखा लगाकर लोगों को अपने पास बुलाते थे और आने वाले दिनों में इनकी जो रणनीति होती थी उसमें शामिल करने की बात कहते थे। आरएसएस का नाम जब पटना एसएसपी ने जोड़ा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिए और एसएसपी के तबादले और यहां से हटाए जाने की बात अब चल पड़ी है। भाजपा नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब उसको लेकर जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं। उनकी तरफ से प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट किया है कि इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आरएसएस को आतंकी संगठन नहीं कहा है, और ऐसे में पटना एसएसपी का हम समर्थन करते हैं। जो लोग देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो लोग सही हैं और जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो गलत है। यानी दोनों पक्ष नहीं चलेगा, देश सांप्रदायिक रूप से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। दानिश रिजवान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में ये जो मामला है कहीं ना कहीं इससे नए रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करे, भाजपा अपने नेताओं को चुप कराए। पटना एसएसपी ने जो बयान दिया है वो कहीं से गलत नहीं है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा हो। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।